क्वेश्चन नंबर 12 ये दे रखी है आपके बैलेंस शीट, इधर प्रिफरेंस है, इक्विटीज है, रिजर्व है, इसके अंदर टैक्स शामिल है। जो टैक्स ये दे रखा है 1,08,500 उसके अंदर शामिल है, तो आप टैक्स जब लेंगे तब यहाँ से ले सकते हैं। डिबेंचर दे रखा है, सिक्योर लोन है, क्रेडिट है, सरप्लस दे रखा है, दो तरह के लाभ है, लास्ट ईयर का है, 30 साल का है, और दे रखा है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कब आता है, जिसमें से आपके इंटरेस्ट भी घटाया हुआ होता है और टैक्स भी घटाया हुआ है, तो आपको ये इंटरेस्ट ये जो लिखा हुआ है 5% ये लेने की जरूरत नहीं है। बिफोर होता प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होता तो हम ये वाला डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट भी माइनस करते। फिर है आपके इधर से गुडविल है, ये वाला लेनी नहीं है, हमें नहीं याद करनी है। लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन की एक मोटर है, इसकी देखो ये क्या नहीं है कि कॉस्ट प्राइस दे रखी, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हमने खरीदी थी वो लागत दे रखी है, इसका इस वक्त का मूल्य नहीं दे रखा है, उस वक्त का जब हम खरीदी थी तब तक, उसका मतलब क्या हुआ हमने अभी तक कोई भी मूल्यह्रास नहीं लगाया है, तो नहीं लगाया डेप्रिसिएशन तो अब लगाएंगे। स्टॉक दे रखा है, बुक डेप्ट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट ये आपके रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट मशीन के रिप्लेसमेंट में आएगा तो ये आपके काम में आएंगे, अगर नॉन ट्रेडिंग होता तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आता, लेकिन ये आपके ट्रेडिंग है क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट मशीन थी, प्लांट मशीन आती है तो ये भी आएंगे। फिर है कैश, ये दोनों आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, ये आपके कहीं काम आने वाली नहीं है। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ है, इसका भी रिवैल्यूएशन हुआ है, संपत्ति मूल्य बढ़ेगा तो मूल्यह्रास भी बढ़ेगा, संपत्ति मूल्य घटेगा तो मूल्यह्रास भी घटेगा। इन्वेस्टमेंट मूल्य दे रखा है 5.85 और डेटर पर हम जब डेटर का इसने कहा है 10% डूब गए, डेटर डूब गए तो इस साल के ही है, इस साल का करंट ईयर में से लेस हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस दे रखी है शेयर का 250 रुपए और डिविडेंड दे रखा है 25% का, मतलब होता है कि अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात करनी है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, तो इससे आपकी रेट निकली कि वो आएगी रेट ऑफ रिटर्न, डी नहीं है तो इससे आप ज्ञात कर सकते हो। मोटर कार का मूल्य लगाना है 15% फिक्स डेफिनेट लगाना है। फिर है आपके गुडविल याद करनी है सुपर प्रॉफिट का 3 गुणे के आधार पर, प्रिफरेंस है, बकाया लाभांश है, ऐसे काम आने वाले नहीं है, अंशों का मूल्य ज्ञात करना होता तो ये काम आता, हमें अंशों हम गुडविल चाहिए, गुडविल प्रिफरेंस है काम ही नहीं है तो फिर हमें लेने की जरूरत भी नहीं। सबसे पहले देखो आपको ज्ञात करनी है गुडविल, गुडविल कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका क्या गुडविल ज्ञात करने का, सुपर प्रॉफिट के 3 गुणे 1 रुपए का मूल्य वार्षिक वृद्धि दर करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 1 रुपए का वार्षिक मूल्य कितना दे रखा है आपको 2.4868, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 3 कितना दे रखा है 2.4868 से गुणा कर लेंगे तो ज्ञात हो जाएगी, जो हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट ज्ञात करना पड़ेगा। ये कैसे ज्ञात करेंगे सुपर प्रॉफिट, सूत्र क्या ज्ञात करने का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले तो आप लाभ लो, प्रॉफिट देखो ध्यान दो, हमारे पास जो लाभ दे रखा है ये रहा प्रॉफिट दे रखा है, आफ्टर टैक्स दे रखा है 4,12,500, इसका मतलब आफ्टर टैक्स कब आता है, इसमें से इंटरेस्ट भी घटाया होता है, फिर टैक्स भी घटाया होता है, दो चीजें माइनस करने के बाद ये आपके दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना दे रखा है 4,12,500, इसमें से डिबेंचर घटाया हुआ है क्योंकि आपके टैक्स है, आप कब आता है ऐसे, पहले आएगा पीबीआईटी, फिर इसमें से लेस करेंगे आई तो आता है पीपीटी, फिर इसमें से टैक्स लेस करते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला दे रखा है। अगर ये वाला दिया हुआ होता तो हम डिबेंचर जो दे रखे है आपके 3.75% हम इंटरेस्ट हो लेते। अब हम लेस करेंगे करंट ईयर में कुछ नया हुआ है तो करंट ईयर की चीजें, तो करंट ईयर का क्या लेस करेंगे, तो लेस करेंगे दो दो चीजें करंट ईयर की दे रही है, कौन कौन सी, एक तो मोटर कार, मोटर कार को हमने अभी तक मूल्यह्रास में लगाया है, इस साल करंट ईयर का इस साल का मूल्यह्रास होता है 1 साल का, संपत्ति खरीदे हुए 1.5 साल हो गया, आधे साल तो 25 साल का होता है लेकिन इस साल कितना होता है, इस साल 1 साल हो गया पूरा कंप्लीट, 25 साल का आधा महीना है वो आपको 25 साल में लेना है,
इस साल आपको मूल्य कितना, करंट ईयर का डेफिसिट, करंट ईयर की थी लेनी आपको, केवल करंट ईयर के फायदे है तो जोड़ने हैं और नुकसान है तो घटाने, केवल करंट ईयर का। करंट ईयर दो चीज हुई करंट ईयर, एक तो है आपके डेटर पर लगाना है बेटर, जैसे पहले भी आया था क्वेश्चन में डेटर पर प्रोविजन लगाना था और डेटर पर बेटर भी लगाने थे, तो वो यहाँ भी घटाते हैं और यहाँ नीचे भी वहां भी घटाते हैं। तो करंट ईयर का सबसे पहले आपके है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कितना है दोस्तों, 15,000 है, 15,000 का कितना परसेंट है आपके 20%, ये आपके स्थायी किस पद्धति है, फिक्स्ड स्थायी किस पद्धति में होता है कि आपके कोस्ट मूल्य पर हमेशा मूल्यह्रास लगता है, तो आपके कितना आ जाएगा, ये आपके 3,000 और आ जाएगा आपके बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट कितने हैं आपके, बेड देनदार दे रखे 1,50,000 के, इसका होता है आपके 20% के कितना परसेंट, 10%, कितना होता है आपके 15,000, ये करंट ईयर गारंटी की चीजें हैं 18,000, ये माइनस कर देंगे 4,12,500 माइनस 18,000, ये आया है आपके 3,54,500, जो नीचे में घटा के लिखने मान लो 5,000 लाभ होता फिर एडजस्टमेंट करते फिर आपके जो भाग देते वो वाली चीज अब आई है आप। अब इसमें जब आपकी क्या क्या चीजें ऐड और लेस होती है, एक तो आपके देखो मूल्यह्रास, देखो वो मूल्यह्रास इस मूल्यह्रास अंतर है, वो मूल्यह्रास तो हमने अब तक मूल्यह्रास लगाया नहीं था तो बिल्कुल नया फ्रेश मूल्यह्रास लगा रहे हैं, और ये मूल्यह्रास किसका है, संपत्ति के मूल्य में बढ़ने और घटने से जो मूल्यह्रास में परिणत होता है वो वाला मूल्यह्रास, दोनों में फर्क है। यहाँ जो मूल्यह्रास दे रखा है आपको देखो लैने बिल्डिंग पर भी है, प्लांट मशीनरी पर भी है, हमने मूल्यह्रास पहले लगा रखा है लेकिन लगा तो रखा है पहले, लेकिन देखो ये मूल्यह्रास पर लगाया हमने संपत्ति पर, देखो लैने बिल्डिंग मूल्यह्रास कितना है 10%, किस पर है, इस पर है 1.5 लाख पर, जबकि संपत्ति अचल मूल्य कितना है आपके 4,50,000, तो मूल्यह्रास 4,50,000 लड़ जाएगा, लेकिन लगाया किस पर हमने 1,50,000 पर लगा दी, अब कितना लगाना बाकी है 3 लाख और लगाना बाकी है। ये जो मूल्यह्रास है आपके इंक्रीज या फिर डिक्रीज या कह सकते हो आप डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये मूल्यह्रास और ये मूल्यह्रास अलग है, ये तो हमने संपत्ति के मूल्य में बदलाव के कारण क्या नाम है डेप्रिसिएशन में कमी और वृद्धि कर रहे हैं, और वो जो मूल्यह्रास है पूरा डेप्रिसिएशन लगा है एक साल का कंप्लीट पूरी संपत्ति पर, नया बिल्कुल कभी लगाया नहीं था मूल्यह्रास। देखो इसमें लिखा हुआ भी है मोटर कार एंड कोस्ट, मतलब ये कोस्ट मूल्य ही है, अभी तक हमने मूल्यह्रास लगाया नहीं बिल्कुल भी, तो अब इसमें मूल्यह्रास लगाया है तो करंट डेप्रिसिएशन आपके वहां आ गया। अब ये जो मूल्यह्रास लग रहा है संपत्ति में वृद्धि और कमी के कारण लग रहा है, तो इसलिए आपके यहाँ जो मूल्यह्रास आएगा आपके वृद्धि और कमी के कारण हम मूल्यह्रास बचा सकते हैं और मूल्यह्रास जा भी सकता है, कितना जाए कितना आएगा वो कैसे याद करेंगे। देखो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000 की, इस पर मूल्यह्रास लगा दिया हमने लेकिन अब आपको इस पर लगाना है तो फर्क कितना है आपके 3 लाख ज्यादा है, तो आपके सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पर लगाएंगे कितना 3 लाख का कितना परसेंटेज है आपके 10%, ज्यादा मूल्य लगा है तो मूल्यह्रास और बढ़ेगा 30,000 बढ़ जाएगा, लेकिन आपके प्लांट एंड मशीनरी पर क्या है देखो पहले थी 11,25 हमने मूल्यह्रास लगा दिया ऑलरेडी 11,25 पर, फिर हमें मालूम पड़ा कि संपत्ति का मूल्य कैसा है आपके 9 लाख है, मतलब 2,25 कम है तो 2,25 हमें कम लगाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2,25,000 का 15%, 2,25,000 का 15% होता है आपके 33,750। ये तो मूल्यह्रास ज्यादा लगाना था और ये मूल्यह्रास हमें बचाना था, तो बताओ बचा कितना आपके, फायदा कितना हुआ, ये तो घटेगा आपके और ये जुड़ेगा क्योंकि संपत्ति मूल्य बढ़ता है तो संपत्ति तो मूल्यह्रास को इसमें से माइनस कर देंगे और संपत्ति मूल्य आपके घट रहा है तो लाभों की वृद्धि होगी इसे जोड़ देंगे इसको, तो कितना 3,750, तो 3,54,500 माइनस 3,750 ये होता है आपके 3,90,750। अब इसके अंदर और क्या एडजस्टमेंट है इसके अंदर, ये सारा हो गया कंप्लीट, इसमें वो आएगा नहीं क्यों नहीं आएगा का, अब हो गया डेप्रिसिएशन। अब इसमें आपके और क्या है, मोटर कार का मूल्य आज हमने लगा दिया, बैड डेब्ट हमने कर दिया, ये जोड़ना है 3,54,500 प्लस 3,750 ये हो गया 3,98,250, ये क्या है आपके एक्चुअल
एवरेज प्रॉफिट, ये यहाँ आएगा आपके 358,250 माइनस। अब नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन हमारे पास ना तो रेट है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या करेंगे हम, पहले हम रेट ज्ञात करेंगे। रेट कैसे क्या करते हैं बताओ, जितना डिविडेंड, ये फॉर्मूला भी है आपके कौन सी प्रश्नावली का है, अनुपात विश्लेषण का फॉर्मूला है, जिसमें आपके पी रेशियो ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला है आपके बीपीएस, क्या लगाएंगे, बीपीएस बटा मार्केट प्राइस इंटू 100। बीपीएस है 25 कैसा आया, ये दे रखा है आपके 25% मतलब प्रति शेयर पर, शेयर कितने का है आपके 100 रुपए का शेयर है, 100 का 25 होता है आपके 25 रुपए। अगर शेयर 10 रुपए का होता तो यार 2.5 रुपए आते, 100 रुपए का है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 25% का 25 ही रहेगा, प्रति बड़ा मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है आपके 250 रुपए इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके 10%। तो यहाँ आपके आएगा एवरेज कैपिटल इंटू 10/100, यहाँ आपके ज्ञात करने में काम आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या नहीं है अभी तक, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो पहले वो ज्ञात करो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले आएगी आपके असेट साइड, असेट कौन कौन जाएंगे, फिक्स और करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कौन सा आएंगे, ट्रेडिंग है तो, नॉन ट्रेडिंग है तो नहीं आएंगे, तो सबसे स्टार्ट गुडविल तो आएगी नहीं, गुडविल तो हमें नहीं ज्ञात करनी, तो गुडविल नहीं आती है, तो क्या आ जाएगा आपके लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 1,50,000, फिर दे रखिए प्लांट एंड मशीनरी जो है आपके 11,25,000, फिर है आप नया मूल्य का है, नया मूल्य ये भी नया मूल्य, लैंड बिल्डिंग पहले कितनी 50 कितनी होगी 4,50, लिखेंगे 4,50,000, प्लांट एंड मशीनरी का नया मूल्य लिखेंगे 9,00,000, फिर है आपके मोटर, देखो हमारे पास मोटर कार, आपको पहले भी बताया था लैंड बिल्डिंग का कौन सा मूल्य लिखा हुआ है वर्तमान मूल्य, प्लांट मशीनरी का कौन सा मूल्य है वर्तमान मूल्य, इसका भी ऑलरेडी वर्तमान मूल्य, ये जो 15,000 दे रखा है कॉस्ट है, और इसको खरीदे हुए हमें कितने साल हो गए, 1.5 साल हो गया, 30 सितंबर से 31 मार्च और 31 मार्च से 31 मार्च, टोटल कितना हो गया आपके 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल बाद कितना मूल्य हो जाते हैं, तो क्या करेंगे हम 15,000 का लगाएंगे 1.5 साल का डेप्रिसिएशन इंटू रेट, कितनी देगी तो रेट है 20% लगाएंगे, और ये है आपके 15,000 फुल कॉस्ट है जिसमें मूल्य घटा देंगे, तो 15,000 में से जाएंगे इंटू आपके 1.5 साल इंटू 20% 4,500 माइनस कर दो 15,000 से, ये आ जाएंगे आपके 10,500, इस मशीन का इस वक्त मूल्य है 10,500। मोटर के बाद आपके स्टॉक, स्टॉक दे रखा है आपके 4,61,250, इसके बाद है बुक डेट, बुक डेट भी आपके करंट मूल्य देंगे यहां तक का, ये बेटर नहीं है बुक डेट है, मतलब देनदारी बोलते हैं इसको, डेटर कह सकते हैं, डेटर कितने हैं आपके, डेटर दे रखे हैं आपके 1,50,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे 10%, मतलब डूब गया जो, मतलब हर चीज आपको करंट डेट में इस वक्त वैल्यू क्या है वो लेनी है, तो ये कितना होता है आपके 1,35,000, फिर है आपके कैश इन्वेस्टमेंट, बाकी इन्वेस्टमेंट लेंगे, इन्वेस्टमेंट तभी लेते हैं जब आपके प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग या अदर कोई एसेट के रिप्लेसमेंट में हो तो लेंगे, या लिखा हुआ है स्मार्ट में कि ट्रेडिंग है व्यापारिक है नॉन ट्रेडिंग नहीं है, तो अगर ट्रेडिंग है तो लेंगे, नॉन ट्रेडिंग है तो इसमें नहीं आएगा, तो ये आएगा आपके कितना दे रखा है आपके नया मूल्य दे रखा है आपके इन्वेस्टमेंट का कितना है 5,81,000, फिर है आपके कैश, ये कैश आ जाएगा कितना आपके 72,000, फिर आपके डिस्काउंट रहता है इन अंडरराइटिंग कमीशन, तो इन सब की जोड़ पहले टोटल असेट की जोड़ करनी पड़ी, 4,50,000+9,00,000+10,500+4,61,250+1,35,000+5,85,000+72,000, ये होता है आपके 26,13,750। अब इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, करंट लायबिलिटी एंड डिबेंचर्स, तो कितना आता है, देखो यहां से सबसे पहले आपके डिबेंचर,
डिवेंचर कितना दे रखा है आपके 3,75,000। फिर है आपके सिक्योर लोन जो दे रखा है आपके 75,000। फिर है आपके क्रेडिटर, क्रेडिटर दे रखा है आपके 112,500। और एक और चीज है वो इसके अंदर इंक्लूडिंग टैक्स जुड़ा हुआ, अंदर इसके अंदर रिजर्व के अंदर जुड़ा हुआ टैक्स है, टैक्स की आपकी करंट लायबिलिटी होती है, उसने वहां ऊपर जोड़ दिया है तो हमें उसका ध्यान रखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 112,500। फिर है 75,000, फिर है 3,75,000, ये होता है आपके 6,75,000 कर देंगे माइनस 26,13,750। तो पीछे बच गया है आपके 19,38,750। ये क्या है आपके क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें से लेस करेंगे आज हालत करंट ईयर प्रॉफिट, तो करंट ईयर प्रॉफिट लेस करना है, तो इसमें से हम लेस करेंगे आधे साल का करंट ईयर प्रॉफिट। अब करंट ईयर प्रॉफिट किसे बोलते हैं, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से करंट ईयर की सारी चीजें माइनस हो चुकी हो। अब करंट ईयर की जगह ये नहीं, करंट ईयर की चीजें माइनस हो चुकी है और मूल्य कितना बचा है आपके 3,54,500। करंट ईयर की चीजें लेस हो जाएंगी, थी ये हो जाएगा 1/2 × कितना है आपके 3,54,500, 3,54,500 का आधा ये होता है 197,250 माइनस 19,00,000 कितना होता है 38,750, ये होता है आपके 17,41,500। ये वाला मूल्य आपके यहाँ आएगा 17,41,500 का 10%, ये होता है 1,74,150, जो हम यहाँ लिखेंगे 1,74,150, 3,58,250 माइनस 1,74,150 ये होता है आपके 2,24,100, 2,24,100 का 2.4868 गुणा कर दो 2.4868, ये आ जाएगा आपके 5,57,291.88 या 292 भी कह सकते हैं।